उसकी तरफ हम ध्यान दें। बाइबल में बता दिया है ये सारी चीजें धूल है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया है वो तुम्हारा जो लोहा है जो अनंत जीवन की गारंटी है, उसकी तरफ जो है उसको सजाने में उसको ठीक करने में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मटेरियलिस्टिक भौतिक वाली दृष्टिकोण है उसमें हम लोग इतने जोड़ जाते हैं। नींद की जो है आजकल चर्चा हो, आपके जो टीवी सेट है, आपकी जो मैगजीन है, मीडिया है, वो भी इतना ज्यादा जो प्रमोट कर रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कि हम समझ नहीं पाते कि हम किस चीज पे प्यास है, किस चीज की हमारी भूख है, किस चीज की नीड है। आपको खाने के लिए एक रोटी चाहिए, दो रोटी चाहिए, चार खा लो, लेकिन आप बाजार से इतना सारा चीजें खरीद कर रखते हो, इतनी सारी चीजें हम स्टेशन में लेके आते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या है जो हमारे पास ज्यादा है उसको हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इतने माता पिता है जो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा जो टिफन है उसको मैं तुम्हें दे रही हूँ, दे रहा हूँ, देखना क्या था इसी तरह शेयर करके तुम्हें आशीष कर रही हूँ। इतने बच्चे शेयर आप ये समझिए जब हजारों लोगों को 5,000 लोगों को खाना खिलाया तो एक बच्चा था जिसने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली, उसने क्योंकि वो जो टेस्ट में उसको मान उसको मान नहीं दिया था, तो सोचा कि मैं शेयर खुदा ने क्या किया उस 5 रोटी को उसने जब उसको अपने हाथ में दिया तो उसे आशीष से दी, उसे कितने लोगों ने खाया कितने मौके बचे 12 बजे। तो ये शेयरिंग की बहुत बड़ी बात है, जब हम अपनी मटेरियलिस्टिक चीजें शेयर करते हैं परमेश्वर उस पर आशीष देता है, परमेश्वर उसे कई गुना हमारे जीवन में उसे बढ़ा देता है, परमेश्वर ने आशीष बना देता है। तो हम देखेंगे हम मटेरियलिस्टिक हो तो कोई बात, लेकिन उस मटेरियलिस्टिक अप्रोच में हमें दूसरों के साथ शेयर भी करना है, बच्चों को भी सिखाना है वो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि फेलोशिप कोऑर्डिनेशन बच्चों के अंदर